स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के शहीद स्थल सह स्मारक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और फिर शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछार करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेना चाहिए। देश कभी इन वीरों के बलिदान को भूल नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड क्रांति वीरों की भूमि रही है। आजादी की लड़ाई में यहां के वीरों ने अदम्य साहस दिखाया था। उनके संघर्ष ने ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। वीर बुधु भगत, शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी जैसे कई वीरों का यह जन्म स्थल रहा है। इन क्रांति वीरों को नमन। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के क्रांति वीरों ने आजादी के पहले और बाद में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आए हैं। इनकी संघर्ष गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में ऐसे कई वीर शहीद भी हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, जिनकी जानकारी इतिहास के पन्नों में नहीं है। ऐसे वीर शहीदों के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लड़ाई छोटी हो या बड़ी, इस देश के लिए कई ने अपनी कुर्बानी दी है। अपने देश राज्य के लिए प्राणों की आहुति देना कोई साधारण बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को अपने क्रांति वीरों को आदर्श मानते हुए देश समाज की मजबूती, विकास, सुख समृद्धि, शांति के लिए तन मन से योगदान देना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और सदियों तक इसका वजूद कायम रहेगा। हमें अपने मजबूत लोकतंत्र पर गर्व है। पिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।